विलियम वर्ड्सवर्थ। सो पोयम शुरू करने से पहले हम लोग पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ लव्ड नेचर एंड हैज रिटन मेनी पोएम्स डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी एंड बाउंटी ऑफ नेचर। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रकृति को बहुत ही पसंद करते हैं, नेचर को बहुत ही पसंद करते हैं, और उन्होंने बहुत सारे पोएम्स ऐसे लिखे हैं जिसमें की प्रकृति की सुंदरता का बारे में उन्होंने बताया है। Here he describes one of nature's moods, the joy felt by birds and animals the morning after a stormy night. So ये जो poem है after the storm, इस poem में उन्होंने प्रकृति के बारे में मतलब nature का एक ऐसे mood के बारे में बताया है कि एक बहुत ही पूरी तूफान भरी रात जो बीतती है उसके बाद जो सुबह होती है, उस सुबह के आने से जो बर्ड्स और एनिमल्स मतलब जो पशु और पक्षी पे जो खुशी होती है, जो जॉय होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। So now coming to your poem. After the storm, there was a roaring in the wind all night. So puri raat hawa mein garaj thi, bahut hi tez se zor zor se hawa beh rahi thi. The rain came heavily and fell in floods. So barish itni tez hui ki uske baad fir baadh aa gayi. But now the sun is rising calm and bright. Lekin ab jab suraj nikal rahi hai to wo bahut hi shanti se nikal rahi hai aur bahut hi chamak rahi hai. The birds are singing in the distant woods. बहुत ही पूरी घनी जंगल में बर्ड्स जो हैं पक्षियां बहुत ही चहचहा रही हैं, बहुत ही अच्छे से गा रही हैं। Over his own sweet voice, the stork dove blooms. So अपना वो पूरी खुशी से चहचहा रही है, गा रही है। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि स्टॉक डव जो है वो एक पक्षी है जो कि ब्रूट्स ब्रूट्स मतलब अंडे सेक रही है, मतलब जो पूरा स्टॉर्मी नाइट जो पूरा तूफान भरी जो रात बीती है उसके बाद जब सनराइज हुआ है तो सूर्य की रोशनी में वो स्टॉक डव जो है अपने अंडे को सेक रही है। The jay makes answer as the magpie chatters. So jay और magpie जो है वो दो तरह का पक्षी है। वो उसमें बताया जा रहा है कि एक तरफ जहाँ जय जो है वो अपना चहचहा रही है वो पक्षी, तो दूसरी तरफ मैकपी भी जो है वो भी चैटर कर रही है, वो भी चहचहा रही है। एक तरफ मैकपी जो है वो चैटर कर रही है तो उसके जवाब में एज अ आंसर मैकपी भी जय भी चैटर कर रही है, वो भी चहचहा रही है। एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विद प्लेजेंट नॉइज ऑफ वाटर्स। वाटर्स मीन्स यहाँ प्लूरल सेंस वाटर्स का नहीं दिया है बल्कि एक वाटर बॉडीज के बारे में बताया जा रहा है कि जो ढेर सारा वाटर बॉडीज है जस्ट लाइक रिवर्स पॉन्ड लेक ये सब के बारे में। सो जब वहां पे ढेर सारा जो वाटर बॉडीज है उसमें जो पानी जो बहती है वो पानी का जो एक अच्छे से जो मतलब प्लेजेंट आनंददायक जो होता है एकदम बहुत ही खूबसूरत जो साउंड जो निकलता है वो साउंड से पूरा का पूरा हवा पूरा एयर फुल हो गया, एकदम फिल हो गया। All things that love the sun are out of doors. मतलब जितने भी living things, जितने भी things हैं जो कि सूर्य को पसंद करते हैं, जो कि सूर्य की रोशनी को पसंद करते हैं, वो सभी अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। The sky rejoices in the morning's birth. और ये morning's birth इसलिए कहा गया है क्योंकि stormy night था जब वो इतना आंधी तूफान वाला जो पूरा रात थी वो रात को बीतने के बाद जो सुबह हुई है एक नया सुबह जो निकला है, सो इसी के लिए morning's birth कहा है कि एक नया सुबह जो हुआ है उससे पूरा का पूरा आकाश जो है खुशियों से भरा हुआ है। The grass is bright with raindrops on the moors. So, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो बारिश हुई थी तो उसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो पानी पूरा जो घास पे थी तो पानी की जो बूंदे घास पे थी जब वो सनलाइट उस पर पड़ी तो वो चमकने लगी। The hare is running races in her mud. और जो हेयर मिस्टर खरगोश है वो खरगोश अपनी ही मस्ती में दौड़ रहा है और बहुत ही खुश है। मर्थ मीन्स खुश हो रहना होता है। एंड विथ हर फीट She from the plashy earth, और जो plashy earth मतलब कि जो पूरा earth में पूरा धरती पे जो पानी भरा हुआ था, पानी के जो बूंदे तो जो सारे grasses में थी, जब वो खरगोश दौड़ रहा था, तो उसके पैरों से वो सारे के सारे घास जो बूंदे हैं पानी की वो उड़ रही थी, उठ रही थी ऊपर। Raises a mist that glittering in the sun. So वो droplets जब ऊपर आ रही थी धूप में, जब धूप की रोशनी उस पर पड़ रही थी तो वो बहुत ही चमक रही थी। Runs with her all the way. Wherever she doth run, doth एक old English है, doth का मतलब does होता है यहाँ पे, so runs with her all the way wherever she does run, so उनको जहाँ पे मतलब खरगोश को जहाँ पे भी जिस भी दिशा में जिधर भी दौड़ना था वो अपने मन से बस यहाँ वहाँ दौड़ रही थी खुशी से। सो यहाँ पे हम लोग इस पोयम में देखें कि जब तूफान भरी रात जब बीत जाती है अगले सुबह जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की रोशनी से वो बर्ड्स और एनिमल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो खुशियों से चहचहाने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, अपने घर से निकल जाते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। सो बस दिस वॉज योर पोयम, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।